अमृत बजट के नाम पर यह जहर परोसा गया है। बजट में कुछ भी नहीं है। केंद्रीय बजट को देखकर आम लोगों को काफी निराशा हाथ लगी है। अमृत बजट के नाम पर यह जहर परोसा गया है। शब्दों के आवरण में जो खामियां हैं उसको छुपाने का प्रयास किया गया है। बजट में गांव के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के कीमतों में कहीं कोई कमी नहीं की गई है। लोगों को यह भरोसा था कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेलवे का जो किराया 3 गुना बढ़ा दिया गया था कोरोना काल में, उसमें कोई कटौती नहीं की गई। बुजुर्ग नागरिकों को जो सुविधा रेलवे द्वारा रियायत दिया जाता था उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो इस ढंग से यह बजट जो है सो केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है। आम उपभोक्ताओं को कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम ही झेलने होंगे। रहा बिहार का सवाल, तो बिहार की तो घोर उपेक्षा की गई है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग काफ़ी दिनों से लंबित है। बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे अरसों से होती रही है, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए यह बजट न केवल बिहार के लिए बल्कि इस देश के किसानों, गांवों और नौजवानों के आशा और आकांक्षा के विरुद्ध है। और जो सबसे बड़ी समस्या देश के सामने है, महंगाई और बेरोजगारी, उसको तो पूर्णतः नज़रअंदाज ही कर दिया गया है इस बजट के माध्यम से। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।